नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडिया स्टूडेंट अकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनएसटी के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के रिवाइज शेड्यूल के बारे में। इसका शेड्यूल आया था दोस्तों और उसका मैंने वीडियो भी बनाया था, ठीक है। पिछला जो शेड्यूल था उसका मैंने वीडियो भी बनाया था और उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं दोस्तों। कुछ डेट्स चेंज की गई हैं और जो डेट्स चेंज की गई हैं वह मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है रिवाइज शेड्यूल ऑफ पीएनएसटी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड एज ऑन 23 अक्टूबर 2019। तो आज ही के दिन दोस्तों यह आया हुआ है नोटिफिकेशन और चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पीडीएफ में क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है और अब मैं आपको ओपन करके इसको बता देता हूँ उसमें क्या कैसा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीएनएसटी की जो चॉइस पे दोस्तों यह शेड्यूल आप देख रहे हैं और इसको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, दोबारा आया है दोस्तों, इसलिए इसको रिवाइज्ड शेड्यूल बोला है। और जो बदलाव हुए हैं भाई, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ क्या बदलाव हुए दोस्तों। पीएनएसटी चॉइस फिलिंग स्टार्ट डेट फॉर एसटी इफ बैगा सहारिया एंड भारिया आफ्टर रिपोर्टिंग वैकेंट सीट इज लेफ्ट एनी। तो दोस्तों अगर बैगा भारिया सहारिया कैटेगरीज के अंदर का जो काउंसलिंग हुई थी एसटी कैटेगरी के अंदर, ठीक है, फर्स्ट राउंड की, उसमें जो भी सीट वैकेंट होती हैं तो उसके लिए दोस्तों फिर से इन्होंने रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के लिए लिंक अपनी ओपन की है और उसके लिए स्टार्टिंग डेट है 22 अक्टूबर 2019। मतलब 22 अक्टूबर 2019 से फिर से रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होने लगे हैं और लास्ट डेट है फॉर चॉइस फिलिंग ऑफ एसटी एसटी कैटेगरी, ठीक है, आपको ध्यान रखना 24 अक्टूबर 2019। तो दोस्तों जो भी छात्र एसटी कैटेगरी के हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल कास्ट के, ठीक है, या अनुसूचित जनजाति के, और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज़ जो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट है दोस्तों या फिर आपके आसपास जो भी नज़दीकी एमपी ऑनलाइन है वहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का काम कम्प्लीट कराएँ और दोस्तों जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करें। इसके अलावा दोस्तों जो और भी डेट्स हैं भाई, मैं अगेन एक बार और बता दूं, पीएनएसटी की चॉइस फिलिंग की जो स्टार्ट डेट थी दोस्तों अनरिजर्व ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए 10 अक्टूबर 2019 और लास्ट डेट थी 19 अक्टूबर 2019। इसके अलावा दोस्तों लास्ट डेट फॉर सॉरी ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ एसटी का। दोस्तों जो अलॉटमेंट आएगा, ठीक है, अलॉटमेंट आएगा वो 26 अक्टूबर 2019 को आ जाएगा। जो भी कॉलेज अलॉट होगा दोस्तों आपको, वह 26 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा, ठीक है, 26 अक्टूबर को अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जब अलॉटमेंट आपको हो जाएगा, ठीक है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना होगा, मतलब बताना होगा और अपना जो भी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और जो भी प्रोसेस है दोस्तों उसको कंप्लीट करना होगा, जो भी एडमिशन की प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा, ठीक है, वह आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखी रहेगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, तो दोस्तों फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जिन भी छात्रों का नाम आएगा उनको 30 अक्टूबर 2019 से 2 नवंबर 2019 के बीच या 2 नवंबर 2019 तक संबंधित जो भी कॉलेज है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जाकर आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स। और जो भी नर्सिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट रहेगा कॉलेज में उस डिपार्टमेंट में आपको जाना रहेगा, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बता दूं दोस्तों लास्ट डेट फॉर चॉइस फिलिंग ऑफ एसटी 24 अक्टूबर 2019, पहले 30 अक्टूबर थी। अब दोस्तों अगर आगे भी ऐसी कोई भी अपडेट आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो भाई मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे दोस्तों तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।